हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे लेखिका रोंडा ब्रायन द्वारा लिखी गई बुक द मैजिक के बारे में, जिससे आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों, आज का ये बुक समरी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस बुक समरी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के करते हैं काम की बात। चैप्टर 1, डू यू बिलीव इन मैजिक? क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? क्या आप बिलीव करते हैं कि आपके जीवन में भी मैजिक है? क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे तब आप अपने जीवन को कितना आश्चर्य के भाव से देखते थे? छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। हवा में रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते हुए देखकर आपका मन खुश हो जाता था, और आप घास पर गिरे ओस की बूंदों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन आज के समय आपके हालात ऐसे हो गए हैं, अगर आपके सामने दुनिया की समक्ष खुशियां भी आ जाए, फिर भी आप अपने जीवन को खुशियों के साथ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप हर चीज में चिंता ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे तो आप चिंता में भी खुशियां ढूंढ लेते थे? यहाँ ऑथर बताना चाहती है कि जिस मैजिक में आप बचपन में विश्वास क्या करते थे वही सच है, और ये जीवन का मोह भंग करने वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू उतना ही वास्तविक है जितना कि आपने अपने जीवन को बचपन में अद्भुत समझा था। चैप्टर 2, अ ग्रेट सीक्रेट, एक महान रहस्य। जिसके पास धन वैभव है उसे और ज्यादा धन वैभव दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे सब कुछ ले लिया जाएगा। भले ही ये बात आपको सुनने में अन्यायपूर्ण लगे, लेकिन यह रहस्य प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शंस के रूप में कार्य करता है, जिसमें बताया गया है जिस चीज की भावना को हम अपने मन में रखते हैं वह हमारी तरफ ऑटोमेटिक खींची चली आती है। यानी कि अगर आप अमीर हैं और इसके प्रति आभार यानी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप और अमीर बनते जाते हैं। अगर ऐसे में आपके पास जो कुछ भी है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते तो वह सब कुछ वापस आपसे ले लिया जाता है। जब आप किसी चीज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वह चीज आपको और ज्यादा मिलने लगती है। जैसे कि मैंने इस महीने ज्यादा पैसा कमाया, मुझे अब तक का सबसे ज्यादा टैक्स रिफंड मिला। यानी कि आप पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे तो आकर्षण के नियम के तहत आपको ऐसी चीजें और मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने इस महीने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप अपनी ओर ऐसी ही अधिक अनुभव को आकर्षित करेंगे और आपके पास जो कुछ भी है वह सब चला जाएगा। चैप्टर 3, हाउ टू ब्रिंग मैजिक टू लाइफ, मैजिक को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? जब कृतज्ञता को आप अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो हर रोज हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित महसूस करेंगे। आप अपने जीवन से भरपूर प्रेम करने लगेंगे। हालांकि आपके जीवन में चुनौतियां भी आएगी, लेकिन आपको पता होगा कि इससे कैसे उबरना है और इनसे कैसे सबक सीखना है। इसके लिए बस आपको इस बुक में बताई गई जादुई कार्यों को 28 दिन तक करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डे, काउंट योर ब्लेसिंग। आपको पहले दिन की शुरुआत ऐसे कामों से करना चाहिए जिससे लोग आपको खूब सारा आशीर्वाद दे। फिर रात के समय आप बैठकर उन नेक कार्यों की गिनती करें जिसकी वजह से आपको खूब सारा आशीर्वाद मिला है। यानी कि पहले दिन अच्छे कार्य को करना है और आशीर्वाद की गिनती करना है जिससे आपका ध्यान सिर्फ अच्छे कार्य की तरफ जाए। आशीर्वाद गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। Day 2, चूज मैजिक स्टोन। इस अभ्यास को करने के लिए शुरुआत में कई दिनों तक लगातार एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता आपकी आदत बन जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा पत्थर को खोजना होगा जो आपकी बंद मुट्ठी में आसानी से आ जाए। जब पत्थर को आप खोज लेते हैं तो इसे अपने सिरहाने के पास या ऐसी जगह रखें कि जब आप सोने जाएं तो आपकी नजर सबसे पहले उस पत्थर पर पड़े। ऐसे में जब आप रात को सोने जाएं तो ठीक उससे पहले पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद करके दिन भर हुई सभी अच्छे कार्यों के बारे में विचार करें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर आप उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। इसके बाद उस पत्थर को वापस अपने सिरहाने के पास रख दें और अगले 26 दिनों तक सोने से पहले हर रात को यह प्रक्रिया दोहराएं। Day 3,
चूज ए मैजिकल रिलेशनशिप। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र प्राणी हो, बाकी सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको विचार आएगा कि पेंटिंग बनाने का क्या फायदा, जब इसे देखने वाला कोई है ही नहीं। इस तरह से आपके मन में कोई भी काम ना करने का ख्याल आएगा, तभी आप एकांत जगह में बैठकर उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आपके दिल के सबसे करीब हो, और ऐसा करते समय उस व्यक्ति की फोटो अपने हाथ में रख लें और एक सफेद पन्ने पर उस व्यक्ति की काबिलियत, उसकी 5 खूबियों के बारे में लिखें जिसके लिए आप उसके प्रति कृतज्ञ हो। फिर आप उन खूबियों को उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जोर जोर से पढ़ें। इस तरह आप किसी व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को सही कर सकते हैं। डे 4, गेट मैजिकल हेल्थ। स्वास्थ्य जीवन का सबसे कीमती वस्तु है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लेखिका रोंडा बर्न अच्छे स्वास्थ्य और खूबसूरती के लिए किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं बता रही हैं, बल्कि आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्ड या कागज पर मोटे अक्षरों में लिखना है कि अच्छा स्वास्थ्य मुझे लंबे समय तक जीवित रहने का उपहार देता है। फिर आप इस कागज या कार्ड को ऐसी जगह रखें जहां आपकी नजर बार बार जाने की संभावना हो। कागज पर लिखे हुए इन शब्दों को दिन में 5 से 6 बार पढ़ें। इससे आपकी सेहत सुधरने लगेगी और आप जब भी कार्ड को पढ़ें तो अच्छी सेहत के लिए आभार जरूर व्यक्त करें। डे 5, गेट मैजिक मनी। आप अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो दूसरे की धन संपत्ति को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनके पास कभी भी धन नहीं होता। रोंडा बर्न कहती है यह एक खास प्रकार का जादू है। अगर आप किसी के धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या रखते हैं तो आपके पास कभी भी पर्याप्त धन संपत्ति नहीं आएगी, इसलिए आप दूसरे के धन संपत्ति को देखकर उससे ईर्ष्या करना छोड़ दें और आपके पास जो भी धन संपत्ति हो उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपके धन में लगातार तेजी से वृद्धि होने लगेगी। डे 6, वर्क लाइक मैजिक। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं या नौकरी या कारोबार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नौकरी और व्यापार के प्रति आपको कृतज्ञ होना अनिवार्य है, क्योंकि आपके अंदर जितनी कृतज्ञता होगी आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आएगी। यदि आपके मन में काम के प्रति कृतज्ञता है तो उस काम को आप उत्साह के साथ कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप अपने काम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे तो आपको अपने कार्य में गलतियां दिखाई देगी और आप अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। डे 7, मैजिक वे टू गेट आउट ऑफ निगेटिविटी। चाहे लोगों के साथ संबंधों में टकराव हो, आर्थिक तंगी हो या स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी होने के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में अगर हम अपने जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो नकारात्मकता का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो बदले में हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में जादू सक्रिय नहीं हो पाता। अगर आप अपने जीवन में जादू को सक्रिय करना चाहते हैं तो आपको नकारात्मक परिस्थितियों में भी आभार व्यक्त करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाए तो इसके लिए भी आभार व्यक्त करें और कहें कि मेरे जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। डे 8, लर्न अबाउट द मैजिक एलिमेंट। यूनिवर्स में जितनी भी छोटी या बड़ी एलिमेंट है, हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। पुराने जमाने में लोग खाना खाने या पानी पीने से पहले इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते थे। इसके पीछे उनका मानना था कि अगर हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करेंगे तो ये चीजें शुद्ध हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। यही कारण है कि लेखिका ने इन बातों को अपने बुक में बताया है और अपने आसपास मौजूद एलिमेंट की पहचान करके उसके प्रति आभार व्यक्त करने को कहा है। डे 9, मनी मैग्नेट। कृतज्ञता व्यक्त करना जहाँ समृद्धि की राह को दिखाता है, वहीं शिकायत गरीबी के दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि आपके पास जितना भी धन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लोगों के साथ अच्छा संबंध हो और आप इसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपके धन में और ज्यादा वृद्धि होगी। यदि आप धन के बारे में शिकायत करेंगे तो आप उतना ही ज्यादा गरीब बनेंगे। डे 10,
स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वह सफाई कर्मी हो, आपके ऑफिस का सहयोगी हो या आपके आसपास मौजूद व्यक्ति जो आपके काम को आसान बनाते हो, उन सभी को शुक्रिया कहना चाहिए। जैसे कि टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर आपको ऑफिस टाइम से पहुंचाता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके इस काम के लिए आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। डे 11 एक्सपीरियंस ए मैजिकल मॉर्निंग। जब आप सुबह जागो तो बिस्तर से हिलने डुलने से पहले सोचें कि जीवित रहना, आनंद लेना और प्रेम करना सौभाग्य है और इसके लिए जादुई सब धन्यवाद जरूर कहें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ को देखेंगे और महसूस करेंगे। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड ए डिफरेंस टू यू। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में अहम बदलाव लाता है जिसके कारण आपको लाभ प्राप्त होता है और आपकी जिंदगी चल पड़ती है, लेकिन आप इस बात के लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद नहीं कह पाते जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लाया है। कई बार आपको ये भी एहसास नहीं रहता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर रहा है, लेकिन जब आप जीवन को पलट कर देखते हैं तो यह महसूस होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन को बदलने में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ऐसे में उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करने के लिए एकांत जगह में बैठकर उस व्यक्ति का नाम जोर जोर से लेकर उसे आभार व्यक्त करें। डे 13 टर्न ऑल योर विशेस इनटू रियलिटी। अगर आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने या जो भी चीज पाना चाहते हैं उसके लिए कृतज्ञ महसूस करें, जिससे वह चीज आपकी तरफ और तेजी से खींची हुई चली आएगी। दोस्तों, यह प्रक्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में कार्य करती है, अर्थात जब आप किसी मनचाही चीज को पाने के लिए सोचते हैं या आभार व्यक्त करते हैं तो वह चीज आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होने लगती है और वह चीज आपको मिल जाती है। डे 14 मेक योर डे मैजिकल। 14वें दिन बिस्तर से उठने के बाद जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ महसूस करें और आप भरोसा करें कि आज का यह दिन आपके लिए जादुई होने वाला है। अगर आप चाहते हैं आपका दिन जादुई हो तो आपको दिन भर की योजनाओं पर विचार करना होगा और इसे जीने से पहले ही अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। डे 15 मेक योर रिलेशनशिप स्वीट विथ मैजिक। अगर आपका कोई संबंध टूट गया है या किसी संबंध में मुश्किलें आ रही है तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादुई तरीके से बेहतर बना देता है। चाहे वह व्यक्ति आपके पिता हो, माँ हो, पत्नी हो, भाई हो, आपका मित्र या पड़ोसी ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पत्नी से संबंध खराब हो गए हों, लेकिन आप अपने बच्चे के जरिए पत्नी से जुड़े हुए हैं, तो अपने बच्चे के चेहरे को देखें और यह एहसास करें कि अगर आपकी पत्नी न होती तो यह बच्चे इस दुनिया में नहीं होती। ऐसे में अपने बच्चे के चेहरे को देखें और उनके जीवन के लिए अपनी पत्नी का धन्यवाद कहें। इससे न केवल आप दोनों के जीवन में शांति और सौहार्द स्थापित होगा, बल्कि इससे आपके बच्चे का जीवन भी बेहतर बनेगा। डे 16 मैजिक एंड मिरेकल इन हेल्थ। अक्सर जब किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वह डर जाते हैं और कई मनगढ़ंत अवधारणा बना लेते हैं, जैसे कि यह गंभीर बीमारी है, अगर यह ठीक नहीं हुई तो क्या होगा। इन्हीं मनगढ़ंत बातों को सोचने से उनका स्वास्थ्य और बिगड़ जाता है। ऐसे में लेखिका कहती है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन में ऐसी अवधारणाओं को नहीं लाना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और धीरे धीरे आप इस बीमारी से रिकवर कर पाएंगे। फिर आप स्वास्थ्य में हुई जादुई चमत्कार के लिए आभार व्यक्त करें। डे 17 मेक मनी विथ मैजिक चेक। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थितियों पर केंद्रित करते हैं तो यह जादुई शक्ति नकारात्मक परिस्थितियों को बदल देती है और एक नई स्थिति उत्पन्न करती है। आप अपने पास एक चेकबुक रखें जिस पर मन चाहे धनराशि को लिखकर उसे पढ़ें। रोजाना उस चेकबुक की धनराशि को देखकर कृतज्ञ महसूस करें कि आपके पास इतनी धनराशि आ चुकी है, और आप विचार करें कि अगर आपके पास यह धनराशि आ जाए तो आप इसका क्या करोगे। फिर आप इस बात के लिए आभार व्यक्त करें कि मानो आप उस वस्तु को खरीद चुके हो। जब आपको यह धनराशि मिल जाए और प्रिय वस्तु को खरीद लें तो चेकबुक पर लिखी हुई धनराशि को मिटाकर एक नए लक्ष्य के लिए अभ्यास करें। डे 18 लिस्ट ऑफ मैजिक।
आज ही आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की लिखित कार्यसूची तैयार करें जिसे आप करना चाहते हैं। कार्यसूची बनाने से पहले सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम भी लिख सकते हैं जिसे करने के लिए आपके पास समय नहीं है, और साथ ही अपने वर्तमान समस्याओं के बारे में भी लिख सकते हैं। कार्यसूची तैयार करने के बाद उनमें से 3 कार्यों को चुनें जिस पर आप आज ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, और कल्पना करें कि एक एक करके हर काम आपके लिए जादुई ढंग से किया जा रहा है। कल्पना करें कि सारे व्यक्ति, परिस्थिति और घटनाएं आपके कार्य को करने के लिए इसी समय पंक्तिबद्ध हो रहे हैं और आपका सारा काम संपूर्ण हो जाता है। इसके बदले में आप सबको धन्यवाद बोल रहे हैं। ऐसे में आप विश्वास करें कि आपका सारा काम हो चुका है तथा आप इसके बदले कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। यह जादुई अभ्यास कितनी शक्तिशाली है इसे बताने के लिए लेखिका ने अपनी बेटी की एक कहानी सुनाई है, जिसमें वह कहती है कि एक रात घूमने के दौरान उनकी बेटी का पर्स खो जाता है, जिसके बाद उनकी बेटी उस पर्स को हर जगह ढूंढती है लेकिन नहीं मिलता है। अंत में वह एक एकांत रूम में बैठकर यह सोचती है कि उसके हाथों में पर्स है और खोया हुआ पर्स उसे मिल गया है, जिसके लिए वह आभार व्यक्त कर रही है। ऐसा उसने 3 से 4 बार सोचा, जिसके बाद अगले ही दिन एक किसान का फोन आता है जिसने पर्स मिलने की बात बताई, और इस प्रकार उसे जादुई तरीके से पर्स मिल जाता है। डे 19, टेक द मैजिक स्टेप। भगवान आपको एक दिन में 86,400 सेकंड देते हैं ताकि आप अपने कार्यों को पूरा कर सकें। लेकिन क्या आपने ईश्वर के लिए 1 सेकंड भी निकालकर इसके लिए धन्यवाद कहा? आपको इसके लिए हर रोज 90 सेकंड में 100 कदम चलकर हर एक कदम पर भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए ताकि आपको अपने जीवन की महत्वता का पता चले। डे 20, हार्ट मैजिक। आप अपने जीवन के प्रति आभार व्यक्त करें और इस भावना को अपने दिल की गहराई तक पहुंचाएं। दिल की गहराइयों तक भावनाओं को पहुंचाने के लिए अपने हाथों को दिल पर रखकर पूरा ध्यान दिल पर केंद्रित करिए और कहिए कि आप अपने दिल में मौजूद हर किसी याद एवं कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध में स्पष्ट किया है कि आभार व्यक्त करते हुए हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की गति संतुलित हो जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में सुधार होता है। डे 21, ग्रेट रिजल्ट। चाहे हमारी परिस्थितियां कुछ भी हो, फिर भी हम चाहते हैं हमारा हर काम सही तरीके से हो। हम परीक्षा के लिए तैयारी करें या न करें, हमारा रिजल्ट अच्छा आए, इसलिए लेखिका चाहती है आप एक टारगेट सेट करें और ऐसा महसूस करें कि आपका टारगेट पूरा हो चुका है। अब आप इस बात को बार बार रिपीट करें ताकि आपके दिमाग को विश्वास हो जाए कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसा करने से आप पाओगे आपका लक्ष्य धीरे धीरे अब पूरा हो रहा है। आपके सामने ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जिसकी वजह से आपको लक्ष्य हासिल करने में आसानी हो रही है। डे 22, राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। इस अध्याय में लेखिका कहती हैं, जब मैंने कृतज्ञता और रहस्य की जादुई शक्ति को पहली बार खोजा था, तभी मैंने अपनी इच्छाओं की एक सूची बना डाली। मेरी इच्छाओं की सूची काफी लंबी थी। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी इतनी सारी इच्छाएं कैसे पूरी होगी। इन सभी इच्छाओं में एक इच्छा थी कि मैं ताहिती के समीप बोरा नामक आइलैंड की यात्रा करूं। मगर इस जगह पर घूमने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर भी मैं एक कागज के टुकड़े पर इस लक्ष्य को लिखकर बार बार पढ़ा करती थी और मैं महसूस करती थी कि बोरा नामक जगह पर घूमने जा रही हूँ। इसी बीच एक बिजनेस ट्रिप के दौरान मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, लेकिन हवाई जहाज में कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसे बोरा आइलैंड पर रुकना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बोरा आइलैंड पर घूमने का अवसर प्रदान हुआ, जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। डे 23, द मैजिकल एयर यू ब्रेथ। क्या आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए कभी आपने कृतज्ञता व्यक्त किया? भले ही हमारी यह बात आपको मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन आप इस बात से अनजान नहीं हैं कि हम हवा के जरिए ही ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये हवा ही है जिसके कारण हम जीवित हैं। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम हवा के प्रति आभार व्यक्त करें, क्योंकि हवा इन सभी के अतिरिक्त हमारे विचारों को शांत करने का एक माध्यम है। इसके लिए हमें हर रोज एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके सांस को नाक द्वारा अंदर की तरफ खींचना है, फिर बाहर छोड़ देना है, और मन ही मन हवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। अगर आप इस प्रक्रिया को रोजाना करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और इससे स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा।
डे 24th, इम्पोर्टेंस ऑफ मैजिक वांड। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई कि आपके पास एक जादुई घड़ी हो जिसे आप हवा में लहराकर अपने प्रियजनों की मदद कर सकें? अब आपको 24वें दिन का अभ्यास बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी सगे संबंधी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने की कल्पना करें। सोचें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से लौट आया है और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है। जब आप इस समय उतना ही कृतज्ञ महसूस करते हैं जितना कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाता है आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है। डे 25th, अंडरस्टैंड द मैजिक साइन। इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके द्वारा सोची गई हर मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन यह यूनिवर्स आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करके आपके हाथ में नहीं देगी। इसके लिए आप जो मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, उसके प्रति अपना ध्यान देना स्टार्ट करें। उस चीज के लिए आभार प्रकट करें जिससे आपका दिल उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। लेकिन जादुई संकेतों को समझने के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए संकेतों को समझना होगा। जैसे कि एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुने तो आप अपने सेहत के प्रति कृतज्ञ रहें, और यदि आप किसी की मृत्यु की खबर सुने तो भगवान द्वारा दिए गए अनमोल जीवन के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि प्रकृति किसी होने वाली घटना का संकेत पहले ही दे देती है। ऐसे में आपको प्रकृति के जादुई संकेतों को समझने की आवश्यकता है। डे 26, A boon change is mistake by magic। हर गलती छुपा हुआ वरदान है जिसे हम इस जादुई अभ्यास से साबित कर देंगे। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई बार गलतियां भी करता है, फिर भी हम इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता है कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उस प्रक्रिया में गलती करके ही वह कुछ सीख पाएगा और बाद में वह साइकिल चलाने या लिखने में महारत हासिल कर लेता है। अगर हम कोई गलती ना करें तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखकर चतुर और महान बनता है। डे 27th, मैजिक मिरर। इस अध्याय में लेखिका कहती हैं कि अगर आप दुनिया को बदलने के बजाय दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। अगर आपने हमारे द्वारा बताए गए 26 बिंदुओं तक अभ्यास पूरा कर लिया है तो आप यकीनन बदल चुके हैं। ऐसे में आप आईने के सामने खड़े होकर अपने अस्पष्ट चेहरे को देखते हुए अपने आप के लिए कृतज्ञ महसूस करें एवं धन्यवाद व्यक्त करें। इससे आपके अस्तित्व में अहम बदलाव आएंगे और आपके आसपास संसार की हर चीज जादुई तरीके से बदल जाएगी। डे 28, ऑलवेज रिमेम्बर द मैजिक। इस पुस्तक के अंतिम पड़ाव में लेखिका कहती हैं कि आपका हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन हूबहू एक दूसरे जैसा नहीं होता, हर दिन कुछ अलग चीजें होती है। इसीलिए जब आप बीते हुए कल के वरदान को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप इस प्रक्रिया को कितनी भी बार कर लो। इसलिए कल के वरदान को याद रखने के लिए जब आप सुबह बेड से उठें तो मन ही मन सुबह, दोपहर, शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप बेड पर सोने के समय तक ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये थी द मैजिक की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।